हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड पे लिखा है। इफ मीन ऑफ 1, 2, 3, 4 अप टू n टर्म्स इज 6n/11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि इन फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो हैं n तक उनका जो मीन है, एवरेज है, वो 6n/11 गिवन है। तो चलिए लिख लेते हैं एक बार हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अप टू n टर्म्स। तो ये एपी बना रहे हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर्स जो हैं वो एपी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मीन गिवन है, तो मीन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है अपने पास, वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? दो तरीके हैं, एक तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स लगा दो, या फिर एपी वाला लगा लीजिए। यहाँ पे n/2 इनसाइड a प्लस l अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n, ठीक है। और ये हमें गिवन है 6n/11। ये इक्वेशन सेट हो गई हमारे पास n की टर्म में। अब हम यहाँ पर देखते हैं n/2 into a + l, ये क्या आता है अपने पास। a अपने पास कितना है, फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, प्लस l लास्ट टर्म। अब आपको लगेगा यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ टर्म है और लास्ट टर्म भी कैसे है। आप गौर से देखिए इसको, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4, ऐसे ही nth टर्म जो है वो n है, यानी कि लास्ट टर्म अपने पास l जो है वो आपके पास n है। यहाँ पर हम a प्लस l, a की जगह 1 पुट कर दिया, l की जगह पे हम n पुट कर देंगे, n/2 into 1+n, ठीक है, अपॉन में n। अब इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगा, n+1/2, तो नीचे आएगा इसके, ठीक है। और इधर है अपने पास 6n/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको लिख सकते हैं 12n = 11 इनसाइड n+1, 12n = 11n+11। नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं तो 12n में से 11n सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, n आ जाएगा अपने पास 11। तो ये हमने एपी का फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे सम के लिए। हम एक तरीका और बता रहे थे आपको कि नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम जो है n inside n+1/2 होता है। ये वही फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे n/2 into n+1 आया है नेचुरल नंबर के सम का। आप ये भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सीधा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई है, आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।